सांबर में कांग्रेस व बीजेपी के लिए इस बार चुनौती बने कई वार्ड। डब्लू गोस्वामी संवाददाता जयपुर ग्रामीण सोशल मीडिया। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। सांबर के वार्ड नंबर 15 की सामान्य सीट पर वार्ड की जनता ने पैराशूट उम्मीदवार उतारने पर जबरदस्त विरोध व रोष व्यक्त किया है। वार्डवासियों का कहना है कि कांग्रेस ने ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जो वार्ड का बाशिंदा नहीं है, ना ही वार्ड 15 में उसकी वोट है। कांग्रेसी समर्थन देने वाली जनता ने संवाददाता को बताया कि हमारा वार्ड के ही है ही नहीं, इसीलिए इस बार हम लोग कांग्रेस को वोट नहीं देंगे और निर्दलीय उम्मीदवार वार्ड से खड़े होंगे उसी को वोट देंगे, या फिर कांग्रेस उसी वार्ड से अपना कैंडिडेट उतारे तभी हम लोग कांग्रेस को वोट देंगे। ये बात कांग्रेसी समर्थन में युवा समर्थक दीपक सैनी, आशीष चावला, ऋषिकेश राज्यपाल ने कही है, एवं महिलाओं में भी कांग्रेसी समर्थन वाली महिला कांग्रेसी कार्यकर्ता सपना सबनानी, राज कंवर, सुमन अंजलि माला ने इस बार कांग्रेस के ऊपर रोष प्रकट किया। होरिजन हिंदी न्यूज, डब्लू गोस्वामी संवाददाता, जयपुर ग्रामीण से। अभी मैं सांबर नगर पालिका क्षेत्र में पहुंचा हूं और सांबर लेक के जनता ने वार्ड नंबर 18 से कांग्रेस और बीजेपी के टिकट वितरण में धांधली देखते हुए निर्दलीय उम्मीदवार सुरेंद्र कुमावत ने खड़ा हो गया इन लोग को सबक सिखाने के लिए। अभी सुरेंद्र जी से अपन बात करके बताएंगे ये इनको क्यों नहीं टिकट दिया गया और जीते हुए आदमी को इसके परिणाम भी लेने पड़ेगा। ये सुरेंद्र जी के मतदाता यहाँ पे कई आदमी बैठे हैं, उनसे भी बात कर रहा हूँ आपको। तो युवा शक्ति मंच से आप जुड़े हुए हैं। हाँ जी। तो आपने ये बताओ, आप कौन सी पार्टी के तरफ से बोल रहे हो? जी, मैं था तो बीजेपी में, लेकिन इस बार हमारे वार्ड के अंदर बीजेपी को ना देकर अदर वार्ड के प्रत्याशी को टिकट दे दिए गए, इस चक्कर में हम विरोध कर रहे हैं और हमारे वार्ड के कैंडिडेट को जरूर जिताएंगे और हम उसके साथ हैं। इस बार 94 निर्दलीय प्रार्थी है। हाँ जी। इस बार वोट निर्दलीय का पूरा चल रहा है। हाँ जी। आपके इसमें क्या क्या ख्याल है? जी, मेरा ये ख्याल है कि हम तो इस बार हमारे वार्ड के प्रत्याशी को जिताएंगे, हमारे वार्ड के कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं और अदर वार्ड के कैंडिडेट के पास हम इतनी दूर जा भी नहीं सकते। हमारा काम वाम जो भी है, जो कराएंगे हम, हमारे जो भी प्रमाण पत्र वगैरह है, उन सब के काम के लिए हम इतनी दूर थोड़ी जाएंगे, इसलिए हम अपने वार्ड के कैंडिडेट को जिताएंगे। वार्डवासी आपके साथ है क्या? जी, हम सब साथ हैं। साथ मिलके हमने ये निर्णय लिया है कि हम वार्डवासी के कैंडिडेट को जिताएंगे और उनको ही खड़ा कराए। इन लोगों ने पत्रकार को कहा कि इस बार कांग्रेसी वाले चुनाव की टिकट में फुलेरा विधानसभा में सचिन पायलट के गुट को ही टिकट मिला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुट के किसी को टिकट नहीं मिला। और जो प्रभारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विधायक रामलाल जाट को सांबर में भेजा गया था, वह सांबर में आए ही नहीं, फुलेरा में बैठे ही टिकट फाइनल किया। अच्छे अच्छे जीते हुए कैंडिडेट को जो 5 साल पहले जीते थे उसको टिकट नहीं दिया गया। फुलेरा विधानसभा की महिलाओं ने कहा कि सांबर में विकास हुआ ही नहीं क्योंकि यहां कांग्रेसी नेता लोग अच्छे आदमी को ना टिकट देते हैं, इसीलिए सांबर फुलेरा विधानसभा के अंदर सबसे पीछे है। हमारे मुख्यमंत्री सांबर को पर्यटन स्थल बनाकर गए थे, लेकिन इस बार होने वाले नगरपालिका निकाय चुनाव में गुटबाजी देखने को मिल रही है, जहां सांबर में वार्ड 15 और 18 में निर्दलीय उम्मीदवारों का वर्चस्व देखने को मिल रहा है। वहीं वार्ड नंबर 18 में साबिर खान कांग्रेस निर्दलीय उम्मीदवार सुरेंद्र कुमावत और भारतीय जनता पार्टी से आशीष गर्ग की त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिलेगी। बीजेपी से बिलोंग करते हैं। कितना साल से? मैं करीब, मेरी 46 साल की उम्र हो गई, मैं जब से 18 साल बाद के अंदर से मैं बीजेपी से बिलोंग करते हैं। इस बार आपको कौन सी वार्ड से खड़ा होने का बात था?
18 नंबर से, मेरे वार्ड से, खुद के वार्ड से। अच्छा, इसमें आपका वोट भी था? बिल्कुल है सर। और पैराशूट मार्का को क्यों वोट दिया गया, ये टिकट क्यों दिया गया, ये बात बताओ आप। हम ये बताना चाहते हैं कि साहब उसने अपनी ताकत से आगे से टिकट लाने की कोशिश की है, जैसे भी उसने की है वो गलत की है उसने। मगर आप ये बताओ जा, आपके आप फिर क्या बैठ जाओगे ना निर्दलीय चुनाव लड़ोगे? निर्दलीय मेरा भाई लड़ेगा। अच्छा, तो फार्म ये की लगाएगा? हमने निर्दलीय लेने का निर्णय नहीं लिया, क्योंकि हमको पार्टी वालों ने विश्वास दिया है कि आपको टिकट मिलेगा। हमारा 18 नंबर वार्ड है साहब, हमारी जो मीटिंग हुई उसमें यही हुआ था कि हमारे वार्ड किसी को भी जनरल को या किसी को भी आप टिकट दोगे तो हम सहमत हैं। आदमी हमारे वार्ड का होना चाहिए, हम सब सहमत हैं साहब, लेकिन इन्होंने बाहर से पैराशूट उतारा है साहब। वो भी 25 नंबर वार्ड से, उसके खुद के वार्ड में भी जनरल की सीट है, वहाँ भी लड़ सकता है ना वो। तो उसको उसका वोट इसमें नहीं है क्या? उसका वोट यहाँ है ही नहीं साहब। तो यहाँ का आपके वार्ड नंबर 18 का जनता क्या बोल रहा है? हमारी जनता बोल रही है, हम वार्डवासी के साथ हैं। हाँ नमस्कार भाई साहब, मैं 18 नंबर वार्ड सांबर नगर पालिका मंडल से चुनाव लड़ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के से। और मेरा मतलब कि यही है कि पार्टी ने मुझे जिताऊ टिकाऊ उम्मीदवार मानकर मुझे पार्टी ने टिकट दिया है, और मैं पार्टी के लिए निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। पिछले दस सालों से पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ, और मेरे यही है वार्ड में मैं अगर चुनाव जीत के आता हूँ तो सभी वार्डवासियों का जो भी अपेक्षित समस्या जो भी होगी, छोटी से लेकर बड़ी समस्या जो भी रहेगी, सब मैं उसका निवारण कराने का प्रयास करूँगा, पूरा प्रयास करूँगा। और जो भी मतलब कि वार्ड में जो भी कमियाँ हैं, जैसे कोई भी रोड की या कुछ नाली की, कुछ भी पानी से संबंधित कमियाँ, बट्टा संबंधित कमियाँ, जो भी नगर पालिका से रिलेटेड जो भी कमी रहेगी, उसका मैं निवारण कराने का पूरा प्रयास करूँगा भाई साहब। धन्यवाद आशीष जी। और कोई बात आपके मतलब मन में अगर हो, अगर बोर्ड बन जाए आपके बीजेपी के, तो चेयरमैन के बनने का भी इच्छा है क्या आपकी? नहीं भाई साहब, हमारी तो पार्टी जो चाहेगी, पार्टी जिसको चुनाव करेगी उसके लिए साथ हम पार्टी के साथ हैं, जैसा पार्टी का आदेश होगा वैसा हम पालना करेंगे।